Good morning, all of you. Today, discuss aesthetics. In aesthetics, find mean means average from direct method, assumed mean method, and a step deviation method. मीन को फाइंड करने के लिए हम लोग थ्री मेथड का यूज करते हैं. फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, सेकेंड एज्यूमिंग मेथड और थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड. मीन सिंपली अरिथमेटिक मीन ही फाइंड करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड मीन by all three method means first direct method, second assumed mean method, third a step deviation method. Question है कि class interval, जैसे number of plants उनके दिया हुआ. Question number one में number of plants जिसमें 0 से 2 प्लांट, 2 से 4, 4 से 6, 6 टू 8, 8 टू 10, 10 टू 12 और 12 टू 14 प्लांट्स दिया हुआ है. ये नंबर ऑफ प्लांट्स है और नंबर ऑफ हाउसेज. नंबर ऑफ हाउसेज 1 2 1 5, 6, 2, 3. And 0 to 2 plants, number of houses 1. 2 say 4 plant, number of houses 2. 4 to 6 plant, number of houses 1. 6 to 8 plant, number of houses 5. Or 8 to 10 plants, number of houses 6. Similarly, 12 to 14 plant, number of houses 3. This is your question. Find the mean by all three method means direct method, assumed mean method and a step deviation method. And चारों method से आपको ये find, ये तीन method से आपको ये find करना है. ये question है. First हम solve करते हैं direct method. इस method में डायरेक्ट मेथड ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है. तो नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से 2 इज कॉल्ड क्लास इंटरवल. इन क्वेश्चन जनरली गिवन क्लास इंटरवल. नंबर ऑफ हाउसेज इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई. नाउ जो न्यू कॉलम mean point, first find mean point. Mean point is called xi. Mean point is called xi. Mean point is called upper limit plus lower limit divided by 2. So 2 plus 0 by 2 is equal to 1. 2 plus 4 divided by 2 is equal to 3, 4 plus 6, 10 divided by 2 is equal to 5. So generally this interval se aata jayega 1, 3, 5, 7, next 9, 11 or last 13. Sequence ek bani. Aise bhi aap
देखोगे टू के बाद थ्री यहाँ थ्री है, फोर के बाद फाइव यहाँ फाइव है, सिक्स के बाद सेवन यहाँ सेवन है। सिमिलरली हम लेंगे फर्स्ट कॉलम फाइंड एक्स आई, नाउ लास्ट कॉलम फॉर डायरेक्ट मेथड फाइंड एफ आई एंड एक्स आई, फाइंड एक्स आई एंड फाइंड एफ आई एंड एक्स आई। ओके एफ आई एंड एक्स आई, एफ आई इज दिस कॉलम और एक्स आई इज दिस कॉलम इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट एफ आई इंटू एक्स आई, यानी वन इंटू वन इक्वल टू वन, टू इंटू थ्री इक्वल टू सिक्स, वन इंटू फाइव इक्वल टू फाइव, फाइव इंटू सेवन इक्वल टू थर्टी फाइव, और सिक्स इंटू नाइन फिफ्टीन, और टू इंटू इलेवन ट्वेंटी टू, और थर्टीन इंटू थ्री थर्टी नाइन। ठीक है, लास्ट में हम सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और सम ऑफ एफ आई और एक्स आई फाइंड करेंगे। तो देखो फ्रीक्वेंसी का सम यहां लिख देते हैं, वन प्लस टू थ्री, प्लस वन फोर और फाइव नाइन, प्लस सिक्स फिफ्टीन और टू सेवेंटीन और थ्री ट्वेंटी। ठीक है, और सम ऑफ एफ आई एंड एक्स आई हम यहां मेंशन कर देते हैं, स्पेस नहीं है, नाइन टू इलेवन और फाइव सिक्सटीन, ट्वेंटी वन ट्वेंटी सिक्स और सिक्स थर्टी टू और वन थर्टी थ्री, एंड में थ्री थ्री सिक्स टू एट वन नाइन ट्वेल्व, कितना आया वन सिक्स टू थर्टी नाइन ट्वेंटी टू फिफ्टीन, यहाँ ऐड करते यहाँ क्या होगा फिफ्टी फोर होगा, है ना, थर्टी फाइव फाइव सिक्स और वन यहाँ गलती से ऐड हो गया। अब आप सम करोगे तो यहाँ पर इसका सम चेंज हो जाएगा, नाइन टू अलेवन फिफ्टीन ट्वेंटी और थर्टी वन टू थर्टी टू एंड में थ्री सिक्स टू एट सिक्सटीन, यानी वन हंड्रेड सिक्सटी टू, क्या आया वन हंड्रेड सिक्सटी टू, यानी मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ आई। दिस इज न्यू सिंबल, समेशन मीन सम ऑफ दिस टर्म और सम ऑफ दिस टर्म, ये सिग्मा या समेशन इसको पढ़ते हैं, और इस सभी टर्म के सम को कहा जाता है। तो ये फॉर्मूला आप जरूर लिखोगे, है ना, यानी मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, नाउ सिग्मा एफ आई एक्स आई और इसका सम 162 और डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई का सम 20, 2 से 10 और 2 से 81 यानी 81 बाय 10 इक्वल टू 8.1, आपका मीन इसका यही आया, क्या आया 8.1, जो कि हम बाय डायरेक्ट मेथड का यूज किए। दिस मेथड इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड, ये हम किस मेथड से सॉल्व किए डायरेक्ट मेथड। इट इज क्लियर, किसी को प्रॉब्लम है आप बताओ।
क्या आप डायरेक्ट प्रोसेस समझ में आ गया? कोई बोलो, अभिषेक कुमार 10 आई, अभिषेक कुमार 10 आई, राहुल 39, आप समझ गए? क्लियर है? तो इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड मेथड का यूज करते हैं। मेन मेथड तीनों जानना चाहिए। कभी एग्जाम में आ जाता है कि फाइंड द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, तो हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, या फाइंड द मीन बाय एज्यूम मीन मेथड, तो हम उस मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर कोई मेथड का नाम नहीं लिखा हुआ है तो आपके मन पर है, जिससे भी आप सॉल्व करो। तो अब हम सेकेंड मेथड एज्यूम मीन मेथड का यूज करते हैं। क्लियर? इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड मेथड का यूज करेंगे। अब हम यूज करते हैं फाइंड द मीन बाय एज्यूम मीन मेथड। इस मेथड से फाइंड कर रहे हैं, तो फाइंड द मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, और इसी क्वेश्चन को फाइंड कर रहे हैं। कारण कि आपको इसमें क्लियर भी हो जाएगा कि मीन फाइंड करने के लिए अगर हम दूसरा मेथड का भी यूज करेंगे तो आंसर आपका सेम रहेगा, डिफरेंट नहीं होगा। आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, आपका सेम आंसर रहेगा अगर हम मेथड को चेंज भी करते हैं। तो क्वेश्चन आपका सेम है, नंबर ऑफ प्लांट्स जिसको हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं, और नंबर ऑफ हाउसेज विच इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ये दिया हुआ है। फर्स्ट कॉलम फाइंड मिड पॉइंट, मिड पॉइंट जिसका नाम है एक्स आई इज कॉल्ड अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये कॉलम आपको एज्यूम मीन मेथड में भी फाइंड करना है। कौन कॉलम? एक्स आई। अब इसके बाद न्यू कॉलम बनाएंगे, क्योंकि आपको एज्यूम मीन मेथड फाइंड करना था, आपको एक एज्यूम मीन मानना होगा। क्या मानना होगा? एज्यूम मीन, जो कि कहलाता है मिडिल टर्म ऑफ एफ आई। तो फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है, तो यहां पर एक नया कॉलम बनाएंगे जो कहलाएगा डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। एक्स आई मीन दिस कॉलम, ए ए फॉर एज्यूम्ड मीन, तो इसी में किसी को एज्यूम मीन बनाइए। तो देखो अगर हम 7 को बनाते हैं एक राउंड करके ए भी लिख दिए, इसका 3 नंबर ऊपर छोड़ दिया और 3 नंबर बाद में, यानी मिडिल टर्म। आप इसमें यही ध्यान रखना है एज्यूम मीन मेथड में कि फर्स्ट को नहीं मानना और लास्ट को नहीं मानना, क्योंकि तो आप एज्यूम मीन मान रहे हो, और उसके बाद तो किसी भी नंबर को मान लो फर्स्ट और लास्ट छोड़ करके, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट तो मीन हुआ नहीं,
तो आपका आंसर वही आएगा। तो हम मिलिंग टर्म को मान लिए ए, क्लियर। पहला कॉलम डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, यहां पर एक्स आई इज वन और वन माइनस सेवन, तो वन माइनस सेवन इज इक्वल टू माइनस सिक्स, क्या होगा वन माइनस सेवन, वन इज एक्स आई और सेवन इज एज्यूम्ड मीन, सेवन क्या है तो एज्यूम्ड मीन है, यानी वन माइनस सेवन, वन माइनस सेवन इज इक्वल टू माइनस सिक्स। दूसरा कॉलम, यहां पर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, एक्स आई इज थ्री और थ्री माइनस सेवन तो माइनस फोर, फिर फाइव माइनस सेवन तो माइनस टू, यानी यहां हो गया माइनस फोर माइनस टू। नेक्स्ट कॉलम, यहां पर एक्स आई इज सेवन एंड एज्यूम मीन इज ऑल्सो सेवन, सेवन माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट कॉलम बढ़ेंगे, एक्स आई इज नाइन, नाइन माइनस सेवन टू एलेवन माइनस सेवन फोर और थर्टीन माइनस सेवन इक्वल टू सिक्स, क्लियर। अब आप लास्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी और डी आई को प्रोडक्ट करोगे, क्या करोगे फ्रीक्वेंसी और डी आई को प्रोडक्ट करेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी इज दिस टर्म और डी आई इज दिस टर्म, यानी इसको नहीं लेंगे, यानी इस दोनों कॉलम को प्रोडक्ट करके यहां लिखोगे, इस रूप से प्रोडक्ट करेंगे तो एफ आई एंड एफ आई एंड डी आई, एफ आई एंड डी आई, अभी कितना स्टूडेंट एंट्री ले रहा है कि ले रहा है, जब मन होता है तब पहुंच रहा है, तुम्हारे क्लास की स्थिति ठीक नहीं है, है ना। चलिए एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इज वन और डी आई माइनस सिक्स, वन इंटू माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स, नेक्स्ट टू इंटू माइनस फोर माइनस एट, वन इंटू माइनस टू माइनस टू, फाइव इंटू जीरो जीरो और सिक्स इंटू टू ट्वेल्व एंड टू इंटू फोर एट और थ्री इंटू सिक्स एटीन। अब ये सभी को सम करोगे तो देखो पहले निगेटिव का सम कितना आ रहा है, सिक्स और एट फोर्टीन और टू माइनस एटीन आया, और पॉजिटिव में आएंगे तो एटीन और ट्वेल्व थर्टी और थ्री थर्टी एट आया, यानी निगेटिव है एटीन और पॉजिटिव है थर्टी एट, बच गया कितना ट्वेंटी, बच गया क्या बच गया टोटल सम ट्वेंटी। तो यहाँ मीन का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई, एज्यूम मीन सेवन प्लस एफ आई डी आई इज ट्वेंटी और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यहां पर ट्वेंटी आया है, आना चाहिए कितना ट्वेंटी टू आना चाहिए, देखो सम करके थर्टी एट आइजर सम सिक्सटीन, कितना है सिक्सटीन, यानी टू और इंक्रीज हो गया ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू बाय ट्वेंटी, टू से टेन टू से इलेवन, यानी सेवन प्लस वन पॉइंट वन इक्वल टू एट पॉइंट वन। अब देखिए यहां पर एक जूट मीन मेथड से भी फाइंड किए तो आपका मीन कितना आया एट पॉइंट वन आया, यानी कोई भी मेथड से फाइंड करो मीन आपका सेम आएगा, क्लियर।
लास्ट मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड. क्या है? स्टेप डेविएशन स्टेप डेविएशन मेथड को हम इसी क्वेश्चन जिससे हम डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड किए, एजुल मीन मेथड से फाइंड किए, नाउ सॉल्व बाय स्टेप डेविएशन मेथड. मेक क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी योर क्वेश्चन. एक्स आई इज न्यू कॉलम. नेक्स्ट कॉलम ड्रो यू आई. नया कॉलम इज यू आई विच इज एक्स आई माइनस ए बाय एच. न्यू कॉलम में क्या हम देख रहे हैं? एच से डिवाइड है. उस डी आई भी था एक्स आई माइनस ए, उसमें एच से डिवाइड करते हैं. एच मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी डिफरेंस इज टू. फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू, सिक्स माइनस फोर इज इक्वल टू टू. यहां पर एच फाइंड किए तो एच इज इक्वल टू क्या आया? टू आया. तो एक्स आई इज इक्वल टू वन और एजुल मीन सेवन. तो वन माइनस सेवन माइनस सिक्स डिवाइड बाय टू माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू और थ्री, यही आपका कॉलम आया. यानी जो डेविएशन मेथड में आया था कॉलम डी आई एजुल मीन मेथड में, उसको टू से डिवाइड कर दिया क्योंकि एच इज इक्वल टू टू आया. किससे डिवाइड कर दिया? टू से. तो सब ये कॉलम बन गया. नाउ लास्ट कॉलम एफ आई इंटू यू आई, यानी इस दोनों को प्रोडक्ट करोगे माइनस थ्री माइनस फोर माइनस वन जीरो और सिक्स माइनस वन सिक्स और टू माइनस टू फोर एंड थ्री माइनस थ्री नाइन. हमें पॉजिटिव केस आया नाइन प्लस फोर थर्टीन नाइनटीन और निगेटिव है फोर और थ्री सेवन वन एट, यानी आपका इलेवन आया. सम तो यहां पर मीन का फॉर्मूला होगा मीन इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई. यानी एजुल मीन सेवन और एच इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टू इंटू एलेवन बाय ट्वेंटी. यानी सेवन प्लस वन पॉइंट वन इज इक्वल टू एट पॉइंट वन. ये आपका मीन फाइंड किए बाय द स्टेप डेविएशन मेथड से. किससे फाइंड किए मीन? तो बाय स्टेप डेविएशन मेथड से. इट इज क्लियर?
एक बार और देख लो स्टेप डेविएशन मेथड। ये क्लास इंटरवल, दिस इज फ्रीक्वेंसी और एक्स आई। एक्स आई मीन्स मिड पॉइंट। इसको फाइंड करने के बाद एक नया कॉलम यू आई बनाए, किसमें? स्टेप डेविएशन मेथड में, जो एक्स आई माइनस ए बाय एच, एच फॉर डिफरेंस बिटवीन बोथ लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सभी में डिफरेंस है टू का। तो जो आपका एक्स आई माइनस ए आया उसको टू से डिवाइड कर दिए, तो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो, वन टू थ्री। लास्ट कॉलम एफ आई इंटू यू आई, दोनों को प्रोडक्ट कर दिए और यहाँ लिख दिए। इसका सम करेंगे तो टोटल आया 11। यानी मीन में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया, जो एच से यहाँ डिवाइड किए यहाँ प्रोडक्ट कर दिए। प्रोडक्ट करेंगे तो देखो 2 इंटू 11